बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इयाका नाबुदु इयाका नस्ताईन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। डॉक्टर आमल लियाकत हुसैन ने तीसरी शादी कर ली। तीसरी जो शादी उन्होंने की है वो औरत कौन है, उसकी मुकम्मल तफ़सीलात आपके साथ फिर मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, आप सबसे छोटी गुजारिश है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। बढ़ते हैं खबर की जानिब। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और रुकने कौमी असेंबली आमल लियाकत हुसैन ने तीसरी शादी कर ली है। आमल लियाकत ने अपनी पोस्ट में लिखा कि वो गुज़श्ता रोज 18 साल सईदा दानिया शाह के साथ रिश्ते अज़दवाज में मुसलिक हो गए हैं। अहलिया के तारे में आमल लियाकत ने लिखा कि दानिया का तल्लक लोधरा के एक मोसस नजीब तरफीन सादत खानदान से तलक रखती हैं। आमर लियाकत ने अपनी पोस्ट में सराइकी खानदान की तारीफ की और मदाओं से अपनी अहलिया के लिए दुआओं की दरख्वास्त भी की है। उन्होंने कहा कि वो अपनी जिंदगी की एक तारीख सुरंग से गुजर चुके हैं जो एक गलत मोड़ था। दूसरी जानब आमर लियाकत की तीसरी अहलिया दानिया ने शोर के अमरा तस्वीर शेयर की। ख्याल है कि गुजश्ता रोज आमर लियाकत से इलाहदगी से मुतलक उनकी दूसरी अहलिया तुबा का मौका सामने आया था, जिसमें उनका कहना था कि मैं मौजूद दिल के साथ अपनी जिंदगी में आने वाली एक तब्दीली के हवाले से आप सबको आगाह करना चाहती हूँ कि जिससे मेरी फैमिली और मेरे करीबी दोस्त को आगाह मैंने किया है, और वो ये कि 14 माह की लड़की के बाद ये बात साफ थी और अब मुफाहमत और सुलह की कोई उम्मीद नहीं बची, लिहाजा मुझे खुला लेने के लिए अदालत से रजू का फैसला करना पड़ा और उन्होंने खुला ले ली थी। खैर यह है अब तक की खबर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक रहते इजाजत, अल्लाह हाफिज़। और आमल लियाकत की तीसरी शादी के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अल्लाह हाफिज़।